गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नई सीरीज सीखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं अर्थमैटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थमैटिको ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है और उसके बाद वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट सीरीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, इसलिए बहुत ध्यान से आप इसे देखिए। तो जैसे कि नाम है अर्थमैटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, AGP, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AGP, अर्थमैटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब यहां पर देखिए AP पहले हम लोग एक लेंगे। तो AP आप जानते हैं कि AP का फर्स्ट टर्म हमने ले लिया A, सेकेंड टर्म उसका ले लिया हम लोगों ने A+D और थर्ड टर्म हम लोगों ने ले लिया A+2D। इस तरीके से हम लोगों ने उसका nth टर्म जो लिया दैट इज A+N-1 × D। एवरीवन नोज दिस कि दिस इज AP। नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम लोग एक GP लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म हम लोग 1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 1। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने 1 लिया और उसके बाद उसका सेकेंड टर्म R, फिर R² और इस तरीके से करते हुए R⁻N-1 इसका nth टर्म हो गया। क्लियर है यहां पर? अब आप ये समझिए कि ये AP है एंड दिस इज GP और इसका कॉमन रेशियो जो है दैट इज R। ठीक, अब हम जब अर्थमैटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली जिसको हम लोग AGP बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअली हर टर्म जो AP है और जो GP है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज A, देन सेकेंड टर्म विल बी A+B × R, देन जो थर्ड टर्म है दैट इज A+2D × R² और जो nth टर्म है वो देखिए कैसा होगा, A+N-1 × D × R⁻N-1। ठीक है, तो ये हमारा एक अर्थमैटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, A+A+D × R + A+2D × R। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, AP एक ली, एक GP ली और दोनों के इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट काम जो होता है इस सीरीज के बारे में, AGP के बारे में, वो है n टर्म्स का सम निकालना कि आखिर हम लोग इस तरीके की सीरीज का n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो इसका nth टर्म हो गया A+N-1 × D × R⁻N-1। एक AP का nth टर्म लिख लीजिए, आप एक GP का लिख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका अर्थमैटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का nth टर्म आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग सम निकालते हैं तो बहुत ध्यान से आपको इस बात को समझना है कि जब हम सम निकालने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग GP का जो कॉमन रेशियो होता है उसको अच्छे से देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कॉमन रेशियो R है, इसका मतलब जो भी हमारी सीरीज है हम उसको R से मल्टीप्लाई करेंगे। R से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। अब देखिए मल्टीप्लाई करते वक्त एक बहुत ही विशेष ध्यान रखना है आपको कि जो भी इसका फर्स्ट टर्म है उसको आपको सेकेंड टर्म के नीचे लिखना है और R से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी ये A था, इसमें आपने क्या किया, R से मल्टीप्लाई किया, दिस हैज बिकम A × R, एंड वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट दिस टर्म बिलो द सेकेंड टर्म। ये आपका पहला टर्म था जिसको मैंने R से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद वो AR बन गया। अब देखिए R से मल्टीप्लाई करेंगे A को तो क्या बनेगा, AR, उसको आपको सेकेंड के नीचे रखना है। अब आप बताइए, अब अगले को आप R से मल्टीप्लाई करिए, A+B × R² हो जाएगा। इस तरीके से आप जब यहां पर आएंगे तो अभी देखते हैं उसको, यहां पर क्या होगा, आप देखिए जो पीछे वाला रहता है उसमें केवल R से मल्टीप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं कि इस सीरीज का nth टर्म लिख लेते हैं जो कि नई सीरीज है। इस सीरीज में क्या खास बात है कि दिस हैज बीन मल्टीप्लाइड बाई R, अब हमने इसे R से मल्टीप्लाई किया, दिस हैज बिकम R⁻N। ठीक है, ये हो गया। अब इससे एक पहले वाला टर्म आपको लेना है, दैट मीन्स कि N-1 से पहले क्या होगा, N-2 × D, और R तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए पावर सेम ही रहता है, तो दिस विल बी R N-1। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन
जो कि पहले से थी, एंड दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट से सेकेंड, ठीक है। दिस इज मैथड, आप अभी देखेंगे इसके फ्रूट्स आपको नजर आएंगे कि ऐसा हम लोग आगे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और वेन वी विल टेक अप द एग्जाम्पल दैट विल बी मोर क्लियर कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप इसमें कोशिश करिए इसको समझने की, दिस इज इजी स्टफ, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। हमने कुछ नहीं किया, एक एपी लिया, एक जीपी लिया, एपी और जीपी के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है अभी तक, और फिर क्या किया, जो सम है हमारा, जो सीरीज बनी है हमारी, हमने उसमें आर से मल्टीप्लाई कर दिया है, और एक टर्म छोड़ के हमने लिखा, यानी कि फर्स्ट जो टर्म है उस जगह को छोड़ के हम लोगों ने सेकेंड किया है। और ये सब हम लोग किस लिए कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा पावर सेम रहे। अब आप यहां से देखेंगे जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 1 - R × S, ठीक है। आप जब S में से RS मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 1 - R × S। अब A में से तो यहां जीरो है, कुछ है ही नहीं, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट्स विल बिकम A। अब आप यहां देखिए A प्लस डी आर में, जब आप A प्लस डी आर मतलब क्या है, AR + DR, AR को जब उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, DR। अब देख लीजिए क्या है, AR + DR ऊपर वाली सीरीज में, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो AR से AR कैंसिल, और यहां पे क्या आ गया, DR। क्लियर है आपको ये बात। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, फिर से आप देखिए AR² और AR² सेम रहेंगे, और यहां पे आ जाएगा DR², क्लियर है। इसी तरीके से यहां पर हर टर्म में आपका D एक जो कांस्टेंट है, AP में D तो कांस्टेंट होता है, वो मिला आपको, और ये बन गया DRn-1, DR की पावर n-1। अब आपका जो ये nth टर्म है दैट विल बी लाइक दिस, A + n-1 × D R की पावर n, ठीक है, ये माइनस है। अब आप अगर यहां से लेके यहां तक देखिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, दिस इज क्या है, दिस इज GP। देखिए आप, ये टर्म है कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक R मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, कॉमन रेशियो क्या है GP का, R है। और आप ध्यान दीजिए कि इसमें कितने टर्म्स हैं, यहां से लेके यहां तक n टर्म्स थे, याद करिए यहां से लेकर यहां तक आपके पास n टर्म्स थे, उसी में तो हमने R मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक n-1 टर्म होने वाले हैं, यहां से लेकर यहां तक n, देखिए 1, यहां तक कितने बोलेंगे आप, 1 टर्म, यहां पे आप कितने बोलेंगे, 2 टर्म, अगला कितना होगा, 3, तो ये कितना होगा, n-1 टर्म, यानी हमारे पास इस जीपी के n-1 टर्म्स दिए गए हैं। आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज्ड विद दिस। और जो कॉमन रेशियो हमें दिया गया है, कॉमन रेशियो हमारा है वो है R, ठीक। अब आपको कॉमन रेशियो मिल गया, आपको n-1 टर्म मिल गया, आपको पता है कि जीपी का फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1 / R-1, ठीक है, या ऐसे भी लिखा जाता है A × 1 - R की पावर n / 1 - R, n टर्म्स का जब हम लोग सम लिखते हैं, तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं। यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, DR 1 - R की पावर कितना हो जाएगा, n-1 / 1 - R। इस पूरे को कंबाइन करके वी हैव यूज्ड द जीपी का फॉर्मूला, एंड वेयर द नंबर ऑफ टर्म्स हैज बीन टेकन एज n-1, एंड आफ्टर दैट वी हैव नाउ A+ हियर, एंड आई एम पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस साइड नाउ, A + n-1 × D × R की पावर n। तो S क्या हो जाएगा, सम निकाल रहे थे ना हम लोग, n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं यहां पर, 1 - R से नीचे डिवाइड कर देंगे, दिस विल बिकम 1 - R, दिस विल बिकम 1 - R का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम 1 - R, एंड सी दिस इज द सम ऑफ AGP। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको तो याद करना पड़ेगा, बट बिलीव मी आपको इसे याद करना ही नहीं है, इस प्रोसीजर को आपको समझना है, और इस प्रोसीजर के ही मेथड से यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, क्लियर। ये अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई, यू डोंट हैव टू याद नहीं करना है आपको,
डोंट थिंक कि यू हैव टू लर्न दिस, यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट, इट्स जस्ट अ मैथड दैट वी आर लर्निंग. हम यहाँ पे मैथड सीख रहे हैं, हम इसे याद करना नहीं चाहते हैं. ठीक है, क्लियर बात है. अब देखिए, यहाँ आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा. अब एक बात यहाँ समझिए कि कभी कई बार क्या होता है कि जो हमारी ये ज्योमेट्रिक जो ए जी पी की सीरीज है वो इनफाइनाइट तक टर्म्स दिए रहते हैं. अभी आप देखेंगे एग्जांपल, इनफाइनाइट टर्म्स तक यहाँ पर टर्म्स दिए रहते हैं. तो उस केस में जो मॉड आर होता है, आपने पढ़ा होगा एपी में भी इनफाइनाइट टर्म्स का जब हम लोग सीरीज लेते हैं और उसको इन्फिनिटी तक ऐड करते हैं तो जो सम होता है दैट इज ए अपॉन वन माइनस आर, तब हमारा मॉड आर लेस देन वन होता है. अब मान लीजिए अगर यहाँ पर यहाँ की बात कर रहे हैं लोग, अगर हमारा मॉड आर लेस देन वन हो और एन हमारा टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, जब आपका मॉड आर लेस देन वन हो और हम इन्फिनिटी तक इसी सम को लिखना चाहें, इसी टर्म को कहां तक लिखना चाहें, इन्फिनिटी तक, तो जो हमारी आर की पावर एन वैल्यू है दैट विल गो टू जीरो, या आर की पावर एन माइनस वन वो भी जीरो जाएगी. क्लियर है आपको? मान लीजिए आपने वन बाई टू लिया और उसको आपने इन्फिनिटी पावर कर दिया तो क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा. ठीक है, तो क्लियर है यहां पर आपको बात. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट करिए. एंड नाउ वी विल सी कि हाउ दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू चेंज. यहां पे तो देखिए एन है ही नहीं, ए अपॉन वन माइनस आर में क्या एन है, नहीं, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने वाले. सेकेंड टर्म में आप आइए, देखिए यहाँ पे आर की पावर एन माइनस वन, अब क्या लिखा हुआ है, आर की पावर एन माइनस वन क्या होता है, जीरो. तो यहाँ पे आप पुट करिए जीरो, दिस विल बिकम डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर. ठीक है, अब आप यहां देखिए आर की पावर एन है विच इज मल्टीप्लाइड बाई विद दिस टर्म, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर, तो पूरा टर्म मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस इंफिनिटी. ठीक है, ए जी पी का सम आपने देख लिया, आपने मैथड समझ लिया, नाउ वी विल डू वन प्रॉब्लम. ठीक है, और यू विल अंडरस्टैंड, उसके बाद फिर हम लोग अपने प्रॉब्लम शुरू करें. इतना ही है बस ए जी पी में, नथिंग मोर देन दैट, इट्स द प्रैक्टिस दैट मैटर्स. We need to do lot of practice to solve the problems and let's see one of the problems. और जिसका result भी आपको याद रहना चाहिए. तो ये ऐसी problem है जिसका result कई बार use हो जाता है. 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube plus 5x की power 4 और ये ऐसे ऐसे infinity terms तक ये sum चला गया. अब आप देखिए, सबसे पहले जब भी कोई आपको problem आए तो आप कैसे पहचानेंगे कि दिस इज ए जी पी प्रॉब्लम और नॉट. तो आप देखिए यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, x, x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, दिस इज समथिंग लाइक जी पी. और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज ए पी. तो पता चल गया आपको कि ये तो ए जी पी है. अब यहाँ आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने लिखे दैट वॉज ओनली मैथड कि कैसे हम लोग करते हैं, वो मैथड जो हम लोगों ने वहां देखा उसको अब यहाँ पर अप्लाई करें. तो सबसे पहले आपको लिखना होता है एस, और क्या पता करना होता है, क्या बताया था मैंने मैथड करते वक्त कि आपको पता करना है कि कॉमन रेशियो क्या है. तो यहां पर जब आप देखेंगे तो कॉमन रेशियो क्या है जी पी का, एक्स, तो आप उसे एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, अगले टर्म से इसी में मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है. दिस विल बिकम 2x स्क्वायर, दिस विल बिकम 3x क्यूब, दिस विल बिकम 4x की पावर 4 एंड सो ऑन. इसमें भी इंफिनिटी टर्म्स होंगे. देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट बोथ दिस सीरीज एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन व्हाट वी गेट दैट इज 1 माइनस x इनटू s, और 1 में 0 तो 1 ही रहा. दिस इज x, दिस इज x स्क्वायर, दिस इज x क्यूब. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2x में x माइनस करेंगे तो कितना आएगा x, 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस करेंगे x स्क्वायर, एंड 4x क्यूब में 3x क्यूब माइनस करेंगे x क्यूब. और इस तरीके से दिस इज x की पावर 4 एंड दिस इज गोइंग टिल इंफिनिटी. अब ये एक क्या है,
दिस इज एक जीपी है जो कि इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, जहां पे मॉड एक्स शुड बी लेस देन 1, दिस कंडीशन विल बी गिवन टू यू। और ये आप जानते हैं कि जीपी जो इनफाइनाइट जीपी होती है उसका फॉर्मूला अभी मैं हम लोगों ने लिखा था, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। तो यहाँ पर ए कितना है 1 माइनस, और आर क्या है यहाँ पर एक्स, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे सब का फॉर्मूला हो गया। तो नोट दिस, अंडरस्टैंड दिस, और उसके बाद हम लोग वी आर गोइंग टू राइट सम प्रॉब्लम इन द बोर्ड एंड यू नीड टू सॉल्व देम। अब हम लोग ये 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। इसका सम हमें n टर्म्स तक लेना है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि किसका सम हमें लेना है, 1 + 3x + 5x2, ठीक है, n टर्म्स तक करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहले पता करना चाहिए कि किस टाइप की ये सीरीज है, ठीक। तो आपको ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज दिखेगी, क्यों, क्योंकि आप देखिए इनके टर्म्स के जो कोफिशियंट्स हैं 1, 3, 5, 7, ये तो एपी में है, 2, 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर जीपी है, 1 था उसमें x मल्टीप्लाई हुआ, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम nth टर्म लिखते हैं। जब भी हमें n टर्म्स तक सीरीज का सम निकालना होता है तो nth टर्म लिखते हैं। तो इसका nth टर्म हो जाएगा 2n-1, ऑड नंबर्स हैं ये, और ऑड नंबर्स को आप जानते हैं 2n-1 लिखा जाता है। और ये देखिए सेकेंड टर्म जब है तो इसकी पावर कितनी है 1, यानी nth टर्म में x की पावर कितनी होगी n-1। दिस इज द स्टेप दैट वी नीड्स टू डू। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने क्या बोला था कि जब भी कोई अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज आए तो उसमें आपको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वही सारा काम हमें करना है अब। और एक जगह आपको वहां पर स्पेस छोड़ना है, और ये बन जाएगा x, दिस विल बिकम 3x2, दिस विल बिकम 5x2, एंड इससे 2 कम, दैट इज 2n-3, एक्स की पावर n-1, एंड दिस विल बी 2n-1, एक्स की पावर n, ठीक है। जब x से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस विल बिकम 1-x × s, 1 + 2x + 2x² + 2x³, और ये nth टर्म तक ही रहेगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, 2x की पावर n-1, एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2n-1 × x की पावर n। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देखें तो 2x कॉमन लिया जा सकता है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो कर लेते हैं, 1-x × s इज इक्वल टू 1 + 2x, फिर अंदर क्या बचेगा, 1 + x + x² एंड दिस विल बी x² - 2 - 2n-1 × x² n, ठीक है। अब आप ये देखिए, जीपी है और यहाँ पे जब 2 लिखा है तो थर्ड टर्म है, और यहाँ पे n-2 है तो इसका मतलब n-1 टर्म है। अब इसका n-1 टर्म्स के लिए जीपी लिखेंगे, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1, यानी 1 - r की पावर n होता है, यहाँ पे x है और हमारे पास टर्म्स हैं n-1 upon 1-x, और ये सारी चीज ऐसे ही लिखी रहेगी, ठीक है। और देखिए, ये जीपी नहीं था इसलिए इसको हम लोगों ने छोड़ दिया। s चाहिए आपको, नीचे भेज दीजिए 1-x को इधर से, और ये 1-x का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो 1-x। तो ये अब आपकी सीरीज हो गई n टर्म्स के लिए, उसका सम, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हम लोगों ने सीखा था पहले, बिल्कुल वैसे ही किया गया, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अब नेक्स्ट सीरीज जो हमारे पास है उसको इंफिनिटी तक हमें करना है, ठीक है। कहां तक करना है,
इन्फिनिटी तक इसका सम लेना है एंड दिस इज एस। 1 + 3x + 6x² + 10x³ एंड दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को देखें तो यहां पर देखें सबसे पहले क्या एजीपी है ये, तो अगर देखें तो दिस इज 1 + 2 3 आ रहा है, 3 में 3 ऐड हुआ 4, यानी कि ये एपी नहीं है। इनका जो डिफरेंस है 1 में से 3 घटाएं तो 2 आता है। देखिए आप यहां ध्यान दीजिए 2 3 4, इनका जो डिफरेंस है वो एपी में है लेकिन ये खुद एपी में नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? अगर ऐसा भी कोई आपको सीरीज मिल जाए जो कि पहले से अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है, जिनको टर्म्स को माइनस करने के बाद, यानी कि इन टर्म्स को हम लोग जब माइनस करते हैं उसके बाद जो सीरीज आती है वो एपी में होती है, तब भी हमें बिल्कुल वैसे ही मेथड से प्रॉब्लम करना है। यानी वैसे ही मेथड का क्या मतलब है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और यहाँ पर एक्स आ जाएगा, यहाँ पर 3x² आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6x³, और ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें, दिस विल बी 1 - x (s) और दिस विल बी 1 + 2x, दिस विल बी 3x², दिस विल बी 4x³ एंड दिस इज गोइंग टू इन्फिनिटी। अब आप देखिए जो हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया था एजीपी का, जिसमें 1, 2, 3, 4 ये सारा टर्म्स आ रहा था एंड दिस इज समथिंग लाइक दैट ओनली। अब ये एजीपी हो गया, आपको अगर रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हैं, या फिर आप इसको एक अलग सीरीज मान के इसका रिजल्ट निकाल के आ रखिए और फिर उसको 1 - x। तो हम लोगों ने इसे किया था, इसका आंसर आया था 1/1 - x² इस सीरीज का, एंड 1 - x से और डिवाइड कर दिया, वहां से भेज दिया इधर, तो दिस विल बिकम 1 - x³। ठीक है, तो सीखा आपने कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जो सीरीज पहले से आ रही है वो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज हो। उसको कैसे चेक करेंगे, अगर आपको उनके जो टर्म्स के कोफिशियंट उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद एपी मिले तभी आप बिल्कुल इसी मेथड से प्रॉब्लम करेंगे। आपको एक बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद दूसरे चांस में यू विल गेट एजीपी, और फिर आप उसे नॉर्मल प्रोसीजर से कर लीजिए। चलिए लास्ट एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, दिस इज वेरी इजी थिंग, लेकिन क्वेश्चंस के वैरायटीज आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से पूछ सकते हैं, तो हमने अभी आपको वैरायटी यहाँ पर दिखाई। अब एक और प्रॉब्लम जो इस तरीके का आता है कि 2^3, 4 एक्सपोनेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है इस तरीके की। अब इस पूरे के हमें वैल्यू निकालना है, तो देखिए क्या है, 2^1/4, 4^1/8, 8^1/16 एंड 16^1/32, और इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई होते हुए जा रहे हैं, और इनकी वैल्यू हमको निकालनी है, इस सम की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जब भी आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम मिले सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में, तो आपको देखना है कि कौन सा प्राइम नंबर आपके पास है, आप उसके पावर्स के टर्म्स में इसको लिखिए। जैसे यहाँ पे 2 था, तो इस 4 को भी लिखा जा सकता है 2^2, 8 को लिखा जा सकता है 2^3, 16 को लिखा जा सकता है 2^4, तो वैसा हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। तो एस विल बिकम 2^1/4, दिस विल बिकम 2/8, तो ध्यान रखिए आप इन्हें कैंसिल मत करिए, ठीक है, इसको कैंसिल मत करिए कि 2 से आपने 8 को कैंसिल कर दिया 1/4 आ गया। 2^3/16, 2^4/32 एंड दिस इज गोइंग टू इंफिनिटी। अब क्योंकि देख रहे हैं आप इन एक्सपोनेंट्स को देख रहे हैं यहाँ पर, इनका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी एड, एंड दैट इज ट्रिक यहाँ पर, ठीक है, कि आपको अब प्रॉब्लम समझ में आएगा, क्योंकि ये सब का बेस सेम है तो पावर्स क्या ऐड होंगी, तो मल्टीप्लाई रहेंगे ऐड, और ये प्रॉब्लम बन गया जीपी का, एजीपी का 4/32, 5/64, इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक इसकी पावर ऐड हो रही है। अब हमें एक ये नया जो सीरीज आई है इसका सम देखना है, और इसको अगर हम लोग देखें तो दिस इज एपी, जिसमें 1/2 मल्टीप्लाई किया जा रहा है,
और एपी जो है जीपी है वो जिसमें 1/2 मल्टीप्लाई किया जाए और एपी का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज 1। तो मैं इस पूरे को S1 मान लेता हूँ, तो S1 सीरीज है ये। अब इसका सम हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब आप देखिए कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, दैट इज 1/2। आप उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 S1, और यहाँ हो जाएगा 1/8 प्लस 2/16 प्लस 3/32 एंड दिस इज गोइंग टू इंफिनिटी। अब आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा, दिस विल कम आउट एस। ये 1/4 प्लस 1/8 ओ 1/16 1/32 और इस तरीके से इंफिनिटी। और देखिए आप ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सम वाली जीपी है और इसका जो पहला टर्म है दैट इज 1/4 और इसमें आप 1/2 1/2 1/2 मैन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए तो हो गया 1/4 और 1 माइनस आर मतलब 1/2। 1 माइनस 1/2 इज बेसिकली 1/2। तो यहाँ से देखिए आप, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यानी S1 की वैल्यू आ गई 1। अब माइंड करिए आप कि आपको ये नहीं बोलना है कि हमारा आंसर 1 आ गया, बिकॉज अभी हमने पावर पता की है। अब हम इस S1 की वैल्यू को इस S में रख देंगे, ठीक है। तो मैं इसको रख कर दूँ, आपने नोट कर लिया इसको, ओके। तो S1 हमारा आया 1, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो S है दैट इज 2 की पावर S1, S जो आया है दैट इज 2 की पावर S1 और जो S1 की वैल्यू थी दैट वॉज 1, इसलिए 2 की पावर 1 और हमारा आंसर विल बी 2, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दीज प्रॉब्लम्स। अब हम लोग कुछ नए प्रॉब्लम्स करते हैं। लेट्स सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स नाउ, ओके। तो पहले मैं इस प्रॉब्लम से यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। 1² + 2² / 5 + 3² / 5² + 4² / 5³। आप पहले इन सब प्रॉब्लम्स को ट्राई करिए एंड देन यू कैन सी द सोल्यूशन। तो मैं इसको एस बोल देता हूँ जिसे फाइंड आउट करना है। और आप देखिए कि पहले से ये AGP में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर ऐसे प्रॉब्लम हो तो हम बिल्कुल उसको AGP टाइप में ही करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है वो AGP बन जाता है। यहाँ पे आप कॉमन रेशियो देखिए, जो GP का है दैट इज 1/5, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सो दिस विल बिकम 1/5S एंड दिस विल बिकम 1² / 5 एंड दिस विल बिकम 2² / 5² एंड दिस इज 3² / 5³ और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1 में से जब 1/5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 4/5S और यहां पर देखिए आप, दिस इज 1² एंड 2² - 1² / 5। 2² - 1² कितना होगा, 3 3/5, क्योंकि देखिए a² - b² को आप a+b * a - b भी कर सकते हैं। यहां पर भी देखिए 3 - 2 3 + 2, तो 5/5² 4² - 3² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4² - 3² 4 + 3 = 7 एंड 4 - 3 = 1 यानी 7/5³। इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक। अब 1² को आप 1 लिख दीजिए। अब आप देखिए यहां पर कि ये जो इस समय सीरीज आ रही है आपके पास, ये वाली सीरीज, ये आपको दिख रही है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी कि एक बार फिर से हमें इसमें 5 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 4/25S, ठीक है। कितना बन जाएगा, 4/25, तो ये बन जाएगा, इसके नीचे लिखेंगे 1/5, दिस विल बिकम 3/5² एंड दिस विल बिकम 5/5³ और ये इंफिनिटी तक। अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप 4/5 में 4/25 सब्ट्रैक्ट करिए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 में से 4 जाएगा तो 16/25 आएगा। कितना आएगा, 16/25S।
और इसको सब्ट्रैक्ट करिए, वन में से टू बाई फाइव, टू बाई फाइव का होल स्क्वायर, टू बाई फाइव का होल क्यूब, और ये जा रहा आपका इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ ऊपर की लाइंस को, दो लाइंस को यहाँ पर रब कर दिया। अब यहाँ से आप देखिए आगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16/25s इज इक्वल टू 1+2/5 कॉमन ले लो, तो दिस विल बिकम 1+1/5 और इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक, ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। अब ये एक अर्थमेटिक जीपी है जो कि इनफाइनाइट टर्म्स की है, तो इसका आप जानते ही फॉर्मूला, ए अपॉन 1-r होता है। ठीक है, तो उसको लगा दीजिए आप, तो दिस विल बिकम 16/25s 1+2/5 a इज 1 1-1/5 विल बी 4/5। ठीक है, कितना हो गया, 4/5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बिकम 1+2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2। तो 16/25 टाइम्स s इज इक्वल टू 3/2, तो ये कितना हो जाएगा s, 75/32, ये हमारा आंसर आ गया। आप ट्राई करिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड देन वी कैन डू अदर प्रॉब्लम्स। अब हम लोग ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए खास बात है कि पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है। ठीक है, इस तरीके से जा रहे हैं और ये आपको दिखेगा 4, 7, 10, 13 जी ए पी में है और यहाँ पे जी पी का जो कॉमन रेशियो है 1/7 दिख। अब यहाँ पे बात ये आपको ध्यान रखनी, जब भी इस तरीके से अल्टरनेटिंग टर्म्स प्लस माइनस में हो और आपको दिख रहा हो कि जी, तो ए पी में कॉमन डिफरेंस निगेटिव नहीं हो सकता। आप ये नहीं सोचेंगे 4 के बाद -7 आ गया, -7 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद -3। एक्चुअली में यहाँ पे 1/7 ना मल्टीप्लाई होके -1/7 कॉमन रेशियो। और देखिए यहाँ पे -1/7 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस में माइनस, इस तरीके से ये हो रहा है। तो यहाँ पर बस इतना ही बताने का आई वॉन्टेड टू से कि आर यहाँ पे -1/7, कभी भी आप ए पी में निगेटिव कॉमन डिफरेंस लाने की कोशिश मत करिए, अगर प्लस माइनस ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब आप जैसे प्रॉब्लम करते हैं यू कैन डू लाइक दैट, इसको 1/7 क्या है यहाँ पर, -1/7 से मल्टीप्लाई करिए एंड दिस विल बिकम -4/7 स्क्वायर एंड दिस विल बिकम प्लस 7/7 का होल क्यूब, दिस विल बिकम -10/7 की पावर 4 एंड इन्फिनिटी। तो 1 -1/7 विल बिकम 8/7। ठीक है ना, 1 -1/7, ये 1+1/7 हो जाएगा, दैट इज 8/7। ठीक है, क्लियर। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यू विल गेट कि दिस इज 4/7 और -7 में जब +4 करेंगे आप तो दिस विल बिकम -3/7 का स्क्वायर, दिस विल बिकम 3/7 का होल क्यूब, देन इट विल बिकम -3/7 का की पावर 4 और इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करेंगे आप यहाँ देखिए, अब आप कुछ कॉमन ले सकते क्या, और एक काम कर सकते हैं आप, देखिए 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यू कैन राइट 8s इज इक्वल टू 4 -3/7 +3/7 का होल स्क्वायर -3/7 का होल क्यूब टिल इंफिनिटी। ठीक है, अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए -3/7 8s 4 -3/7 कॉमन लेंगे तो दिस विल बिकम 1 -1/7 +1/7 का होल स्क्वायर एंड इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा ऊपर रब कर देते, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करिए, 8s इज इक्वल टू 4 और माइनस कितना है 3/7 और a यहां पर हो जाएगा, a इज 1
तो वन, और कॉमन डिफरेंस क्या है माइन, ओ कॉमन रेशियो क्या है -1/7, तो दिस विल बिकम 8/7, 1 -(-1/7) जैसे वहां पे आया था वैसे ये, और ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो दिस हैज बिकम 8s, और ये 8 है तो 32 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे आप 8 से 8 से मल्टीप्लाई करिए, 32 में 3 गया 29/8, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 29/64। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई हमारी, अब यार लेफ्ट विद ओनली 2 प्रॉब्लम्स। नाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज व्हेन n इज ऑड एंड व्हेन n इज इवन, ऐसा प्रॉब्लम जो एडवांस में आ सकता है, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस में कि अगर n इवन होगा तो क्या आंसर होगा, n ऑड होगा तो क्या आंसर होगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप इसको देखिए कि इसको कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग n जब इवन होगा तब का केस लेके कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको देखनी होगी कि जो भी इवन टर्म है जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ना, तो इवन टर्म में देखिए इवन का ही स्क्वायर है लेकिन उसके सामने माइनस है, माइनस है, माइनस है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आप सम लेने जा रहा हूँ केस व्हेन एन इज इवन, ठीक है, ये केस पहले कर रहे हैं लोग, और देखिए बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो 1 square -2 square +3 square -4 square +5 square -6 square, और यहाँ देखिए कि जब n मेरा इवन है तो उसके सामने क्या आना चाहिए, माइनस, ठीक है। और ध्यान दीजिए आप कि उसके पहले का टर्म तो एक कम होना चाहिए, तो ये हो गया, ठीक। अब हम इसमें दो दो टर्म के ग्रुपिंग कर लेंगे ऐसे, और इवन है तो सभी ग्रुप हो जाएंगे। अब इनको हम ओपन कर लेंगे a² - b² के फॉर्मूले से, सो दिस विल बिकम 1 + 2 and 1 - 2, इसको मैं -1 लिख देता हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको कि 1 + 2 को 3 नहीं लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज यू आर गोइंग फॉर अ टॉस। तो 5 + 6 and -1, इसी तरीके से n-1 + n और यहाँ पर -1, क्लियर है। अब क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर, हाँ यहाँ पे आप -1 कॉमन लेंगे जब, तो अंदर आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और इस तरीके से ये n-1 + n, तो ये एक ए पी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है और ये नेचुरल नंबर्स का सम भी है, तो यहाँ से सम का जो हमारा फॉर्मूला है वो रेडीमेड फॉर्मूला होता है, दैट इज n(n+1)/2, यानी कि सम जब n इवन है तो सम का फॉर्मूला आ रहा है -n(n+1)/2। तो नोट कर लीजिए आप, व्हेन n इज इवन आई एम राइटिंग हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि कैसे इस क्वेश्चन को किया गया, ये जो स्टेप है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर कैसे हम लोगों ने इसको कंबाइन कर देंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क, 3, 7, फिर 11, ठीक है, वैसा बन जाएगा एंड दिस इज इजी। अब देखते हैं सेकेंड केस लेंगे, व्हेन एन इज ऑड, व्हेन एन इज ऑड, ठीक है, लिख लेते हैं केस व्हेन एन इज ऑड, केस व्हेन एन इज ऑड, एन हमारा ऑड है, तो उस एस को लिखते हैं 1² - 2² + 3² - 4² और इस बार जो आपका एन स्क्वायर लिखा जाएगा वो प्लस के साथ लिखा जाएगा, और जो एन माइनस वन बिकॉज दैट विल बी इवन इसलिए उसके आगे माइनस रहेगा। अब जब आप कंबाइन करेंगे इस बार, यहाँ पे मैं n-2² - n² और n स्क्वायर आपका बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो बहुत मायने रखती है और यही आपको स्मार्ट बनाती है। हम ऑलरेडी n इवेंट का सम निकाल चुके हैं
और दीज आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है कि हम यही फॉर्मूला n को रिप्लेस करके n माइनस वन के लिए लगा दें, बिकॉज जब हमने पहले किया था तो हमारे पास n नंबर इवन थे, जब n ऑड है तो इसका मतलब इसको ब्रेक कर सकते हैं, n माइनस इवन तो है हमारे पास, एक टर्म बच रहा है उसको बाद में ऐड कर सकते हैं हम, और n माइनस के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। यानी n को अगर हम रिप्लेस कर दें n माइनस वन से, देन वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर इवन ऑल्सो। ओके, अब आप माइनस तो ऐसे ही रखिए और यहाँ n को रिप्लेस कर दीजिए n माइनस वन से, और ये n हो जाएगा एंड दैट विल बी टू, बचा एक टर्म जो ऐड करने के लिए, दैट इज n स्क्वायर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, तो दिस विल बिकम माइनस n स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लिया और पॉइंट टू। अब इसको सॉल्व करिए, टू एन स्क्वायर में से n स्क्वायर चला गया, n स्क्वायर बचा, ठीक है, और यहाँ पर वन नहीं एन होगा, देखिए माइनस वन इंटू एन और माइनस माइनस प्लस, एंड दैट विल बी बिकम एन, और यहाँ से एन कॉमन ले लीजिए, दिस विल बिकम एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। यानी जब इवेन होगा तो सम होगा माइनस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और जब ऑड होगा तो सेम आंसर होगा, लेकिन पिछली बार माइनस के साथ था, इस बार प्लस साइन के साथ होगा। क्लियर है बात, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छे से इसको आपको समझना है, एंड आफ्टर दैट इस प्रॉब्लम के बाद वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हम यहाँ पे देखिए, ये डबल समेशन का क्वेश्चन है, और बहुत ध्यान से इसको आप समझिए कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो एम स्क्वायर एन है यहाँ पर, इसको हम ब्रेक करेंगे m इंटू एन में, और इसको हम नीचे भेज देंगे, नीचे ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे m इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज समेशन n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, और इसको मैं नीचे भेज दूंगा, दिस विल बिकम थ्री की पावर m अपॉन m, और mn को मैं यहाँ नीचे भेज दूंगा, ये वन बन जाएगा, n इंटू थ्री की पावर m प्लस m इंटू थ्री की पावर n अपॉन mn, ऐसे कर देंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे mn को अलग अलग, यानी इसके नीचे भी mn लिख देंगे और इसके नीचे भी mn लिख देंगे। अब आप देखिए, n से n कैंसिल हो गया और m से m कैंसिल हो गया, इस समेशन को अब हम लोग m इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एंड n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी को ये लिख सकते हैं, थ्री की पावर m अपॉन m, और ब्रैकेट में भी थ्री की पावर m अपॉन m प्लस थ्री की पावर n अपॉन m। आई होप यू अंडरस्टूड कि यहाँ तक हमने क्या स्टेप किया। क्वेश्चन था m स्क्वायर इंटू n, उस m को नीचे लाए, एक इसके साथ रखा, यानी वी आर ट्राइंग टू मेक, इनको अलग कर रहे हैं, ठीक है, जो m के टर्म है साथ में उनको m के साथ रख रहे हैं, और जो n वाले टर्म है उनको n के साथ कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ हैं अभी तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग करने जा रहे हैं, एक सब्सटीट्यूशन करेंगे यहाँ पर, और इस 3 की पावर m अपॉन m को वी विल राइट a m, और जो 3 की पावर n अपॉन n है उसको आई विल राइट a n, ठीक है। तो अब ऐसा करने से क्या हमें मिलने वाला है, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, अभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लग रहा है, हमारा काम है इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड करना, ठीक है। अब देखिए, वी कैन राइट इट लाइक दिस, वन अपॉन ए एम, और यहाँ हो जाएगा ए एम प्लस ए एन, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट आपने लिख लिया होगा अपनी कॉपी में, आई एम गोइंग टू सब यहाँ से हटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा प्रॉब्लम यहाँ तक आ गया, दिस इज ए एम एंड दिस इज ए एन, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ए एम हमने माना है थ्री की पावर m अपॉन m, और ए एन हमने माना है थ्री की पावर n अपॉन n, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद क्या होता है यहाँ पर, वो हमें देखना है। नाउ व्हाट वी विल डू, इसको हम s मान लेंगे, और आप देखिए कि अगर मैं इसे इनको अगर मैं आप अंडरस्टैंड करिए यहाँ पर,
अगर ये कोई सोल्यूशन है, इसका कुछ आंसर आएगा, तो m में भी इसको ऐड किया जा रहा है और n में भी इसको ऐड किया जा रहा है। क्लियर है आपको बात, समझ में आ रही है? और अगर मैं इनके ये जो यहाँ पे m को n से रिप्लेस करूँ तो ये n हो जाएगा और ये m हो जाएगा, और ये n हो जाएगा और ये am plus an ही रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि m और n, बिकॉज इनको जो समेशन में जो साइन लगा है और जो लिमिट्स ले रहे हैं हम लोग, वो m और n में ले रहे हैं, इसको अगर किसी भी अल्फाबेट से चेंज किया जाए, अगर मैं यहाँ पे p लिख दूँ, यहाँ p लिख दूँ, यहाँ q लिख दूँ, और यहाँ पे p लिख दूँ, और यहाँ पे q लिख दूँ, तो क्या इसका सम बदल जाएगा? बताइए आप, क्या इसका सम इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ m लिखा है कि n लिखा है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो नहीं, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। आई कैन चेंज इट टू पी और यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे पी, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू, तब भी तो काम इसका वैसे ही होने वाला है, ठीक है? तो इसलिए अभी मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ m, समझे आपकी मतलब, यहाँ पे कुछ भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरा आपको बताने का सेंस था, ऐसा चेंज करके दिखाने का। Now I am going to replace, right here, replace m by n and n by m. Clear? m को आप n से रिप्लेस करिए एंड n को आप m से रिप्लेस करिए, तो m को m कर दूं, m को n कर दूं, तो ये यहाँ ये जो चीजें चेंज नहीं होगा, इवन मेरा सम भी चेंज नहीं होगा। अभी मैंने आपको समझाया कि आप यहाँ पर क्या लिखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज गोइंग टिल इंफिनिटी। अब ये बन जाएगा हमारा 1 बाय ए एन एंड दिस विल आल्सो बिकम ए एम प्लस ए एन। अब इन दोनों को वी आर गोइंग टू ऐड और ये बन जाएगा 2s, और इसको ऐड करके आप देख लीजिए दोनों समेशन का साइन बाहर आ जाएगा। m इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ऐड करिए तो यहाँ क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, ये लिख ही लीजिए आप, ठीक है? ए एम, ए एम प्लस ए एन, और ये रहेगा ए एन, ए एम प्लस ए एन, ठीक है? ये कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से, वन अपॉन ए एम प्लस ए एन, लेकिन अंदर जो बचेगा दैट विल बी लाइक दिस, वन बाई ए एम प्लस वन बाई ए एन, ठीक है? इसको नोट करते रहिए, बिकॉज आफ्टर दैट मुझे बड़ा क्वेश्चन है, इसको रिमूव भी करना होगा, ठीक है? तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2s ए डबल समेशन, m इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और इसको आप LCM लीजिए तो ये क्या बनेगा, ये भी बनेगा ऊपर am प्लस an और नीचे बनेगा am इंटू an, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और समेशन का आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर डबल समेशन है और ए एम ए एन, इस तरीके से इसको हटाता हूँ मैं, कट गया, एंड नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद ए एम एंड ए एन, तो वी कैन राइट दिस एज समेशन 1 बाय ए एम, एम इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, एंड समेशन 1 बाय ए एन, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है? ये अब हमारे पास है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए अब मैं यहाँ पे रफ करता हूँ एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड क्या हुआ यहाँ पर, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था एम को एन से रिप्लेस किया, फिर दोनों को ऐड किया और 2s करके आया, इसके बाद हमने देखा कि कट जाएगा और इतना बचेगा बस, और इसको अलग अलग समेशन साइन को कर लिया। अब ये हमारा प्रॉब्लम है, आई एम राइटिंग हियर, और इस प्रॉब्लम को दो प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखिए 2s इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ए एम, का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन ए एम, ठीक है? यानी कि हो गया ये m अपॉन 3 की पावर m, और ये हो गया n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी n अपॉन 3 की पावर
एन। ठीक, ये हमारा प्रॉब्लम है। इसका मतलब मैं अगर इसको सॉल्व कर लूं इसे और इसे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि इस प्रॉब्लम में अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज तो है ही नहीं, अब आएगी। अब जब इनको वैल्यूज आप रखेंगे तो मैं पहले इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, एंड देन जो इसका आंसर आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा, क्योंकि एम और एन में कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो इसको करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको ओपन करिए आप, एम इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, तो यहाँ रखेंगे वन अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन थ्री स्क्वायर थ्री अपॉन थ्री क्यूब। तो समझ में आया आपको, ये तो ज्योमेट्रिक अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसको एस बोल दो। ठीक है, इसको वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज वही यहाँ पर है। दिस विल बिकम वन बाई थ्री का स्क्वायर टू बाई थ्री का होल क्यूब एंड दिस इज गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, दिस विल बिकम टू बाई थ्री एस और ये रहेगा वन बाई थ्री। वन टू बाई थ्री का स्क्वायर में वन बाई थ्री का स्क्वायर घटाएंगे आप, तो यू विल गेट वन बाई थ्री का स्क्वायर एंड दिस इज वन बाई थ्री का होल क्यूब एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस। और टू बाई थ्री एस ये क्या है, ए वन बाई थ्री कॉमन ले लो, वन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री का स्क्वायर। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इसको मैं लिख देता हूँ इधर, टू बाई थ्री एस इज इक्वल टू वन बाई थ्री ए अपॉन वन माइनस आर, ए है वन, वन माइनस वन बाई थ्री इज टू बाई थ्री, वन माइनस वन बाई थ्री इज वॉट टू बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, एंड एस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से इसको कट करें, तो एस की वैल्यू आ गई थ्री बाई फोर। ठीक है, तो यानी एक का यहाँ पे जो आंसर है दैट इज थ्री बाई फोर, डोंट राइट इट एस एस वन एस वन एस वन। ठीक है, एस वन अब यहाँ इसको रख कर दूँ, एस वन आपको समझ में, दिस इज तो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज यू ऑलरेडी नो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो एस वन की वैल्यू हमारी थ्री बाई फोर आई है। ठीक है, यहाँ किसके बराबर था टू एस, और 2s दिस इज 3 बाई फोर, मैंने पहले ही बताया आप m रखिए n रखिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसका भी आंसर 3 बाई फोर आएगा, क्योंकि इसमें भी रखेंगे तो 1 बाई थ्री टू बाई थ्री का स्क्वायर वही सेम सीरीज बनेगी, और s की वैल्यू आपकी आ जाएगी जो हमें चाहते थे 9 बाई थर्टी टू। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए, एंड दिस वे वी आर कंप्लीटिंग अवर अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे नए टाइप के कुछ सीक्वेंसेस एंड सीरीज। थैंक यू वेरी मच।